आवर चैनल डिजिटल लर्निंग 44। माय नेम इज प्रियंका अरोड़ा। आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ मार्केटिंग के नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लॉगिंग मार्केटिंग। ब्लॉगिंग मार्केटिंग क्या है आज हम उसके बारे में सारा पढ़ेंगे कि उसका क्या मतलब है बेसिकली। वैसे तो नाम से क्या पता चल रहा है, कोई ब्लॉग, जब कोई पर्सन, एक ब्लॉगर जो होता है वो कोई ब्लॉग तैयार करता है, उसकी प्रमोशन करता है, उसकी सेटिंग करता है, उसको कस्टमाइज करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द ब्लॉगिंग मार्केटिंग। बेसिकली ब्लॉगिंग क्या है, देखो ब्लॉगिंग मार्केटिंग से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लॉगिंग क्या होती है। ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा वेबलॉग, यहाँ पर एक प्रॉपर पैराग्राफ, यहाँ बोलते हैं कि एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा जाता है या किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है इन अ शॉर्ट फॉर्म में, यह समरी आपको दी जाती है। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ना है तो हर एक टॉपिक की कोई ना कोई एक शॉर्ट समरी होती है या फिर एक शॉर्ट कंसेप्ट में उसको समझाया जाता है कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, ठीक है, तो उसका भी क्या, एक अलग से ब्लॉग ही लिखा जाता है मार्केटिंग पे। उसके बाद अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग की बात करी गई थी आपके साथ, तो उसका भी एक अलग से ब्लॉग ही लिखा जाता है जिसपे बताया जाता है कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंडर क्या क्या कंसेप्ट आ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग का क्या मतलब बन गया कि इट्स लाइक ए वेबलॉग। इतना हमें कंसेप्ट बस पता आना चाहिए कि जब ब्लॉगिंग मार्केटिंग की बात करें तो ब्लॉगिंग मार्केटिंग में सबसे पहले आ जाता है ब्लॉगिंग, और ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि इट्स लाइक ए वेबलॉग, कि यहाँ पर एक पर्सन जो है एक प्रॉपर अपना कंसेप्ट लिखता है उस फॉर्म में कि दूसरे पर्सन को इजीली वो अंडरस्टैंड कर सके कि इसमें लिखा गया है। इसमें आपने कोई भी हाई फाई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी होती, ठीक है, या ना ही कोई इतने मतलब डिफिकल्ट वर्ड यूज़ करने की दूसरे पर्सन को समझने के लिए स्पेशल डिक्शनरी ओपन करनी पड़े। हमें एक सिंपल वर्ड में लिखना होता है ताकि दूसरा पर्सन उस चीज़, उस ब्लॉग को ईजिली अंडरस्टैंड कर सके कि इसमें लिखा गया है, ठीक है। कुछ आप उसमें क्वेश्चन भी डाल सकते हो ताकि एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप उनके साथ बात कर रहे हो, ठीक है, दैट इज द ब्लॉगिंग, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपने तो इन्फॉर्मेशन लिखी एक शॉर्टकट मैनर में, एक उसमें क्वेश्चंस आपने डाले ताकि उस पर दूसरा जो पर्सन पढ़ रहा है उसको ये लगे कि ब्लॉगर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, कि इंटरेक्शन हो रही है आपके एक दूसरे के साथ, ठीक है। फिर वो कमेंट बॉक्स में माइट भी कोई आंसर भी दे, ठीक है, या अगर आप लास्ट में लिखोगे अगर आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा से आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मेरे को क्वेश्चन में बता सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन लिख सकते हो अपना कि अगर आपको कोई क्वेरी है इस ब्लॉग में। तो ये वे होता है कि आप किस वे के साथ दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो इन ब्लॉगिंग। और इसके अलावा ब्लॉग को मैनेज करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ स्किल सेट्स होते हैं, मतलब आपने इसमें दो चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है, एक तो एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है, और एक रखना होता है आपने इसमें स्किल सेट्स के बारे में। अगर स्किल सेट्स और एक्टिविटीज बेस्ट होंगी तो बाकी काम आपका इजी हो जाएगा। सो उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो ब्लॉगिंग मार्केटिंग में क्या होता है कि आप कोई पोस्ट लिखते हो, उस पोस्ट को अगर आपने सपोज करो पोस्ट लिखी आपने, ऑब्वियसली सोशल मीडिया मार्केटिंग में उसको क्या करना है, आगे अपडेट करना है, मतलब दूसरों के साथ उस पोस्ट को शेयर करना है, तो वो ब्लॉगिंग मार्केटिंग ही बन गई कि आपने एक ब्लॉग लिखा। मतलब ब्लॉगिंग मार्केटिंग कैसे चलेगी, देखो अगर मैं ब्लॉगिंग मार्केटिंग की बात करूं तो इस वजह से हमें क्या पता चला कि ब्लॉगिंग मार्केटिंग अब कैसे चल सके। ब्लॉगिंग का तो हमें इजीली पता चल गया कि ब्लॉगिंग में क्या होता है कि सबसे पहले आपने एक ब्लॉग लिखना है, ठीक है, एक मतलब आपने एक वेबलॉग बनाना है। वेबलॉग बनने के बाद उस वेबलॉग को, अब उस वेबलॉग में कई सारी एक्टिविटीज भी आ जाती हैं और कई आपके इसमें स्किल सेट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटीज और स्किल सर्च के मतलब क्या हो गया कि अगर आपने ब्लॉग लिखा उस ब्लॉग के अपडेट करना है, उस ब्लॉग को अपडेट किया, ठीक है, अपडेट करने का मतलब है कि उसकी मार्केटिंग करनी। मार्केटिंग का कैसे करोगे आप, पहले आप उसको सोशल मीडिया पे शेयर करोगे, सोशल मीडिया पे शेयर करने के बाद आप उसका लिंक डिफरेंट वहां पर, मतलब कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ पर भी आपका लिंक बना हुआ है, आपको लगता है कि यहाँ पर मेरे फॉलोअर्स हैं, तो आप वहाँ पर अपने लिंक दूसरों को सेंड कर सकते हो, आप उनके साथ लिंक शेयर कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? मतलब मेन हमें तीन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है यहाँ पे, एक पब्लिशिंग के बारे में,
कि जब आपने पब्लिश करना है, पब्लिशिंग इसकी बेस्ट होनी चाहिए, उसके बाद इसकी डिजाइनिंग शुड बी अ गुड वन, ठीक है, और सोशल मार्केटिंग दैट इज आल्सो क्लियर हुआ कि पब्लिशिंग, डिजाइनिंग, सोशल मार्केटिंग, इन चीजों का ध्यान में रखने के बाद ही आपका ये पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इट्स अ ब्लॉग। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इट्स अ ब्लॉगिंग मार्केटिंग। क्लियर हुआ कि क्या किया ब्लॉगिंग मार्केटिंग की एक्टिविटीज क्या चले। ब्लॉग एक ऐसा वेबलॉग है, यहाँ पर आपने अपने स्किल सेट, जितने भी आपके माइंड में उसकी नॉलेज है, वो आपने शेयर करनी है दूसरों के साथ। दूसरों के शेयर करने मतलब एक अपडेट करनी है सारे इंटरनेट पे, एक फिर उसके बाद अपडेट करके मतलब उसको पब्लिश करना है, उसको डिजाइन प्रॉपर करने के बाद आपने सोशल मीडिया की हेल्प से वो इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे उसका लिंक शेयर करना है। अब क्वेश्चन यहाँ से रीज होता है कि ब्लॉग लिखे कहाँ पे। ब्लॉग तो चलो ठीक है, ब्लॉग का मतलब क्या है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी वो तो समझ आता है, लेकिन ब्लॉग लिखना कहाँ पे है, ठीक है, कि ब्लॉग आप कहाँ लिख सकते हो। वर्डप्रेस पे भी कर सकते हो काम ब्लॉगिंग से, अगर आप ब्लॉग लिखना चाहते हो तो आप वर्डप्रेस पे लिख सकते हो। वो कैसे जी, मतलब ये चीज जो है सारे पब्लिशर ने ही देखनी है। पब्लिशर को पता होना चाहिए कि सबसे पहले मुझे पब्लिशिंग करनी, ब्लॉगर, ये सब कुछ ये सारा काम होता है ब्लॉगर का। ब्लॉगर कौन होता है, जो इस ब्लॉग को लिखा है। ब्लॉगर ने ये चीज चेक करनी कि पहले मेरा जो ब्लॉग है वो डिजाइन अच्छा होना चाहिए, उसकी फिर मैं उसी वजह से पब्लिशिंग करूंगा, और उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो उसकी जितनी ज्यादा करेगा उतनी ज्यादा उसकी प्रमोशन बढ़ेगी। मतलब एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन द प्रमोशन। लेकिन ये ब्लॉग अब ब्लॉगर लिखेगा कहाँ पे, क्वेश्चन माइंड में आ गया। ब्लॉग ब्लॉगर कहाँ पे लिख सकता है, वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस क्या है जी, वर्डप्रेस क्या हो सकते हैं बताओ। हर एक बच्चा जानता है कि आप जो वेबसाइट क्रिएट करते हो, आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द वेबसाइट 90% जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी वर्डप्रेस पे बनती है, क्योंकि वो सारा मेथड एक ड्रैग और ड्रॉप का है। तो आप वर्डप्रेस के हेल्प से ब्लॉग भी लिख सकते हो। तो वर्डप्रेस क्या हो गया, ऑब्वियस है, ये एक सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट है जो कि ब्लॉग को बनाने और उसको कस्टमाइज करने का एक सबसे बेस्ट वे है कि आप इसकी हेल्प से ब्लॉग बना भी सकते हो और उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वे से। तो ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने ब्लॉग को बना भी सकते हो, आप अपने ब्लॉग को कस्टमाइज भी कर सकते हो। और ये एक यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स मिल जाएंगे। प्लगइन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने वेबसाइट पर अगर कुछ एक्स्ट्रा से आपने एक्टिविटीज अपडेट करनी है या कुछ एक्स्ट्रा उसमें कुछ आप डालना चाहते हो सर्विस वगैरह, तो आप प्लगइन के थ्रू आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ भी सकते हो। वर्डप्रेस अगर ब्लॉगर को समझ आ जाए तो वर्डप्रेस के बाद अब ब्लॉग स्पॉट क्या होता है। अगर आप अपना ब्लॉग जो है ऑनलाइन क्रिएट रखना, मतलब ऑनलाइन आप अपडेट करना चाहते हो या ऑनलाइन आप इंटरनेट पे डालना चाहते हो, तो ये एक वेब डेवलपर को दी गई एक फ्री इंटरनेट सर्विस है। ब्लॉग स्पॉट जो है गूगल द्वारा ही दी गई है वेब डेवलपर को, ताकि वो इस पे अपने अपने जितने भी ब्लॉग्स हैं उनको अपलोड कर सके। तो ब्लॉग स्पॉट क्या करता है कि यहाँ पर अगर आप अपना कोई भी ब्लॉग डालते हो, अपलोड करते हो, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपके कोई चार्जेस नहीं लगने। आप यहाँ पर अपना जो सॉफ्टवेयर मतलब आप यहाँ पर अपना ब्लॉग जो है वो अपलोड इजिली कर सकते हो। कैसा सॉफ्टवेयर है, गूगल के द्वारा, जहाँ पर आपको कोई भी होस्टिंग वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट अपना ब्लॉग लिखो, यहाँ पे अपलोड कर दो, ठीक है। गूगल द्वारा दी गई एक ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, निकले आप ये नहीं कर सकते ये हर जगह यूज करो, ठीक है। तो वो वहाँ पर ही जहाँ पर गूगल सर्वे, अगर ब्लॉग स्पॉट पे आपने उसको डाल दिया तो वो वहीं पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आप कहीं और इसको यूज नहीं कर पाओगे। ये इसमें होता है ब्लॉग स्पॉट का बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि ब्लॉगर को यहाँ से पता तो चल ही जाता है कि उसने कैसे डाला, कि दो तरीके हैं। तो यहाँ से अब क्या पता चला, दो मेथड पता चल गए। क्या पता चला, एक कि अगर आपने ब्लॉग लिखना है तो वो आप दो तरीकों में जा सकते हो, एक तो वर्डप्रेस और दूसरा ब्लॉग स्पॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके विषय है कि आप वर्डप्रेस के थ्रू अपने ब्लॉग को कस्टमाइज करना चाहते हो कि ब्लॉग स्पॉट के थ्रू करना चाहते हो, कि ब्लॉग स्पॉट के थ्रू आप अपने ब्लॉग जितने भी ब्लॉग आप लिख रहे हो आप उसको अपलोड करोगे, या फिर आप इसके थ्रू करोगे वर्डप्रेस के थ्रू। ये आपके ऊपर है कि जो आपको ईजी लगता है आप इन दोनों को यूज करके अपने ब्लॉग को डाल सकते हो। मैं आपको ज्यादा
वर्डप्रेस पे ही करना सिखाऊंगी, अभी प्रैक्टिकल जो अभी करवाऊंगी वो वर्डप्रेस पे सिखाऊंगी कि वर्डप्रेस पे आप ब्लॉग को कैसे डालते हो। लेकिन उसके अलावा एक और इसमें आप डाल सकते हो, प्लेटफॉर्म ही है डिफरेंट डिफरेंट, एक तो वर्डप्रेस हो गया, एक आपका ब्लॉग स्पॉट आ गया, एक इसमें आपको टम्बलर भी मिल जाएगा, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। टम्बलर पर भी आप अपने ब्लॉग को आप तो कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म है यहाँ पर अपने ब्लॉग्स को कस्टमाइज करके। कई बार ऐसा होता है कि हम स्टार्टिंग में नहीं चाहते कि हम डोमेन नेम या होस्ट नेम खरीदें, तो अगर आप नहीं चाहते अपना डोमेन नेम होस्ट नेम खरीदना तो आप इस वजह से डाल सकते हो, इन इन प्लेटफॉर्म पर डाल के अपना ब्लॉग चेक कर सकते हो कि वो कितना रैंक कर रहा है, ठीक है, उसके बाद अपना खरीदो, ठीक है, कि एक बार आपको पता चल जाएगा कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को, कोई आपके कई बार एरर्स वगैरह होते हैं, कोई दूसरा जो ब्लॉग पढ़ता है वो ही आपको बता देता है कि इस ब्लॉग में आपने ये गलती करी, मतलब एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आप जितना भी गेन कर लो उतना बेस्ट है, ये चीज़ आ जाती है इसमें। और ये तो ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म्स हो गए, अब एडवांटेजेस क्या है, क्यों हमें ये सब चाहिए, व्हाई डू वी वांट दिस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस ब्लॉगिंग, और ब्लॉग मार्केटिंग के क्या एडवांटेजेस है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। ऑब्वियस अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह लिखोगे तो आपकी जितनी भी राइटिंग स्किल है वो उतनी ज़्यादा बेस्ट होगी, क्योंकि हमें यहाँ से प्लेटफॉर्म तो पता चल गए कैसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आप अपने ब्लॉग्स को लिख सकते हो। ब्लॉग जितने ज़्यादा लिखोगे उतने राइटिंग स्किल आपकी ही बेस्ट होगी, आपको उतना ज़्यादा वे मेथड पता चलेगा कि हाउ डू वी राइट दिस ऑल दिस ब्लॉगिंग, क्लियर हुआ। और इसमें क्या एडवांटेजेस हो सकती है, और एक अगर आप बेस्ट नेटवर्क बनाना चाहते हो तो ब्लॉग आपकी मदद कर सकता है कि आप दूसरों को अपनी नॉलेज जो है वो शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ, तो इसीलिए ब्लॉग जो होता है दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद अदर। तो ब्लॉग अब क्या हो गया कि एक सबसे बेस्ट एक टेक्निकल टूल है, या हम बोल सकते हैं कि अपने आइडिया को शेयर करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है। इससे क्या होगा, अगर आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हो, आप एसईओ करना चाहते हो, वो उसमें भी आपको मदद मिल जाएगी, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में हर चीज़ के लिए यही बोला जाता है कि अगर आप कोई भी वर्डप्रेस का सीखते हो, ब्लॉगस्पॉट सीखते हो, तो स्टार्टिंग में वी वांट योर कंटेंट, जितना कंटेंट होगा आपका उसके अकॉर्डिंग ही आप काम कर पाओगे, तो बेटर है कंटेंट पहले लिखो, कंटेंट लिखने के बाद उसको जहाँ मर्जी आप अपलोड कर सकते हो, चाहे वो वर्डप्रेस पे करो, चाहे आप टम्बलर पे करो, चाहे आप ब्लॉगस्पॉट पे करो, इट्स अप टू यू पीपल कि आप किस किस पे कहाँ पे अपलोड करना चाहते हो अपना ये सारा डाटा, तो ये सारा कंटेंट आप किस किस पे अपलोड करना चाहते हो ये आपकी विश होती है। तो ये बात होगी कि ब्लॉगस्पॉट ब्लॉग जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं आपके। अब बात आती है मार्केटिंग के पूरे कंसेप्ट की, ये जो अभी तक सिर्फ पब्लिश करना सिखाया मैंने आपको, डिज़ाइन करना बताया कि कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो और कैसे आप पब्लिश कर सकते हो, लेकिन बात आ गई मार्केटिंग शेयरिंग के, क्योंकि जब तक आप शेयरिंग नहीं करोगे तब तक ब्लॉगिंग मार्केटिंग में नहीं आएगी, ठीक है। आपने तो अभी तक सिर्फ एक ब्लॉग डिज़ाइन किया है, एक कंटेंट क्रिएट किया है, ब्लॉग को डिज़ाइन किया है, लेकिन उस ब्लॉग को जब तक आप उसको मार्केटिंग में नहीं लेके आओगे, जब तक आप उस चीज़ की प्रमोशन नहीं करोगे तब तक ब्लॉगिंग अधूरी है। इसीलिए हर चीज़ के लिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। अब उसका सबसे पहले कंसेप्ट मेथड बता देते हो कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि आप किस वे से मार्केटिंग कर सकते हो। तो मार्केटिंग करने का क्या मेथड है, सबसे पहले आप ना इसको ऑटो शेयरिंग भी कर सकते हो, ठीक है, आप गूगल प्लस से कनेक्ट कर दो या किसी गूगल के साथ कनेक्ट कर दो ताकि वो ऑटो दूसरों के साथ ऑटो शेयर में रहे, कि वो अपने आप दूसरों के ब्लॉग जो जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं उनके साथ शेयर हो, कि जब भी आप डालो, जैसे यूट्यूब पर नहीं होता कि अगर आपका किसी ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो उसको ऑब्वियसली मिल जाती है ना नोटिफिकेशन कि हाँ आज इसने न्यू डाल ली है वीडियो या न्यू ऑडियो डाल दी है। तो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि हाउ टू शेयर द डाटा विद अनदर। और सेकेंड मेथड क्या हो सकता है कि यू हैव टू पोस्ट द क्वालिटी कंटेंट। जब तक आपका कंटेंट क्वालिटी वाला नहीं होगा कोई भी उसको नहीं पढ़ेगा, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि यू हैव टू पोस्ट द क्वालिटी कंटेंट ओनली। हमेशा जब भी आपने सर्च इंजन पे अगर आपने कोई वर्डप्रेस पे लिखना भी है तो एक डिफरेंट सा यूनिक कंटेंट जिसको अनुकूल कंटेंट बोला जाता है, ये एक यूनिक कंटेंट आपको हमेशा डालना चाहिए। ये मेथड होते हैं कि किस वे से आप अपने ब्लॉगिंग को प्रमोट कर सकते हो, किस वे से वो दूसरों के साथ प्रमोशन में जा सकते हो। और जो भी आपका रीडर है, ठीक है, जिसने भी आपके ब्लॉग को पढ़ा, आप उनसे हमेशा फीडबैक मांगो। आप वहाँ पे लिखो कि ब्लॉग को पढ़ने के बाद अपने फीडबैक जरूर दीजिए कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो रीडर हमेशा डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपको बता देते हैं, उनसे आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस ब्लॉग में मैंने ये वाली गलती करी है, मुझे नेक्स्ट ब्लॉग में वो गलती नहीं करनी है। तो मेथड्स एक्सपीरियंस होता है,
कि एक्सपीरियंस हो गया ना आपको कि हाँ इस ब्लॉग में ये मिस्टेक थे, अब नेक्स्ट ब्लॉग में ये वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जो कई बार आपने देखा होगा ईमेल आईडी में, जो आप कई बार दूसरों को एक ऑफिशियल ईमेल आईडी से जब सेंड करते हो तो नीचे उनका सिग्नेचर आ जाता है, ठीक है। सिग्नेचर में भी आप अपने ब्लॉग के लिंक को शेयर कर सकते हो, तो उससे क्या हो जाता है कि एक अगला पर्सन को बहुत अच्छा इनके यहाँ यहाँ ये ब्लॉग पढ़े कोई बाई चांस, अगर 10 लोगों को भेजिए 10 में से 2 हो सकता है कि उस लिंक को क्लिक करके उसमें से पढ़ ही ले ब्लॉग आपका, रीडर्स भी बढ़ गए, ब्लॉग अच्छा लगेगा तो बेटर है, नहीं तो फीडबैक दे ही देंगे कि हाँ इसमें थोड़ी सी ये खराबी, आप उसको चेंज करो, यहाँ और कंटेंट इसके रिगार्डिंग लिखो। आप हमेशा अपने ब्लॉग को ना ब्लॉगर की लिस्टिंग में जोड़ो, जितना भी ब्लॉग आप जितने ब्लॉगर्स वगैरह की उनकी लिस्ट बनाते हो आप उसमें जोड़ो, उसमें आप और आप अपने जितने भी URL वगैरह उनको ब्लॉग डायरेक्टरी में सबमिट करो। तो ये मेथड होता है कि हाउ कैन यू प्रमोट योर ब्लॉग, आप आगे प्रमोशन कैसे कर सकते हो, उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया है मार्केटिंग के मेथड में कि जब भी आपने मार्केटिंग करनी है यू हैव टू एंगेज विद द पर्सन। जब तक आप दूसरे पर्सन के साथ एंगेज नहीं होंगे, उनके साथ कमेंट का आंसर नहीं दोगे, वो पर्सन आपके फॉलोअर्स उतने ही कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। बेटर है आप उनका आंसर दीजिए, उनका कमेंट का आंसर दो, उनके साथ एंगेज, जो ब्लॉग आप लिख रहे हो तो वो क्या फीडबैक दे रहा है आप उनका आंसर दो कि उनको क्या मिस्टेक लगी है उनका, हो सकता है कि आपका ब्लॉग उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, तो ये एक कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज हो जाता है ना। अगर एक दो ब्लॉग आप लिखते हो और वो दूसरे पर्सन को बेस्ट लगे तो आप कहते हैं नेक्स्ट टाइम मुझे इससे भी अच्छा लिखना है। तो ये मेथड होते हैं कैसे आप दूसरों के साथ शेयर करके अपनी ब्लॉगिंग को प्रमोट कर सकते हो। अब लास्ट में क्या आ जाता है, कमेंटिंग, क्योंकि प्रमोशन होगी, प्रमोशन के बाद जब आपने दूसरों के साथ शेयर किया उसके बाद जब वो पर्सन आपको फीडबैक दे रहा है तो आप उनके साथ ऑब्वियस है कमेंट करो, ठीक है। जितने में आपको हमेशा ये ना एक कला होती है कि जब आपने एक ब्लॉग लिखा है, दूसरा रीडर पढ़ रहा है उस ब्लॉग को और उसने नीचे फीडबैक आपको दिया है, आप उस फीडबैक को उसको कमेंट में लिख कर भेजो कि हाँ ये प्रॉब्लम थी तो मैं नेक्स्ट टाइम आई विल डू लाइक दिस, ठीक है। और इसमें एक्सप्लेनेशन मार्क वगैरह आप जोड़ सकते हो, कोई भी इंप्रेशन वगैरह कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो आप इसमें जोड़ सकते हो, प्लस आप इसमें और क्या कर सकते हो, जितनी भी जल्दी हो सके आप उनको कमेंट कर दो, बस टाइम मत लगाओ, क्योंकि ऊपर वाले जितने भी कमेंट्स होते हैं वो मोस्टली पढ़े ही जाते हैं, लोग पढ़ते हैं उन कमेंट्स को, तो इसीलिए बोला जाता है कि कमेंट साथ साथ करो, पर्सन के साथ एंगेज होना सीखो। तो ये हुई बात ब्लॉगिंग मार्केटिंग की। ब्लॉगिंग मार्केटिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि जब आप अपना ब्लॉग लिखते हो वर्डप्रेस के थ्रू या फिर आप अपना ब्लॉग लिखते हो ब्लॉगर स्पॉट्स के थ्रू, ब्लॉग स्पॉट्स के थ्रू, तो उसको आप किस वे से प्रमोट कर सकते हो, उसको उसका आंसर कैसे दे सकते हो, उसके उसमें कमेंट कैसे कर सकते हो, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लॉगिंग मार्केटिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक द ब्लॉगिंग कंसेप्ट, देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल लर्निंग 44 को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए टू कीप लर्निंग डिजिटली।